आलू शामिल कर देंगे आलुओं को इस तरह छिलका उतार के अच्छे से और इनकी कटिंग करके बहुत अच्छे से ये बॉयल हो जाते हैं फिर इसमें हाफ टी स्पून हम नमक शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे अंटिल के बहुत अच्छे से बॉयल ना हो जाए फिर आपने एक और पैन ले लेना है उसके अंदर आपने चिकन की लेग शामिल कर देनी है सात ग्राम और इनको भी बहुत अच्छे से कर लेना है बॉयल हमारे आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं अभी इनको हम अच्छे से कर लेंगे मैश इधर हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया तो चिकन की जो लेग्स हैं उनको सेपरेट रख लेंगे और चिकन के जो स्लाइसेस हैं इनको अच्छे से श्रेड करके आप इसमें पोटैटोज़ में शामिल कर देंगे इसके बाद इसमें मोजरेला चीज़ डाल देंगे 300 ग्राम आपके पास चैटर चीज़ अवेलेबल है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेना है अभी इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक की नमक आप इस पर जरूरत शामिल कर सकते हैं इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर वन टेबल स्पून शामिल करेंगे फिर इसमें जाएगी काली मिर्च हाफ टी स्पून फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च वन बाय फोर टेबल स्पून इनको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेना है अब चिकन के जो लेग पीसेस हैं इनके ऊपर ये तमाम मटेरियल लगा के आपने अच्छी सी ड्रमस्टिक बना लेनी है इक्वल साइज का आपने मटेरियल लेना है अब ये इस तरह इसके मिड में ऐसे ऐड करके और ये बहुत अच्छे से ड्रम स्टिक बन जाएगी वन बाय वन आप अपनी सारी ड्रम स्टिक रेडी कर लें ड्रम स्टिक बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं अभी मैंने ले लिया है यहाँ पे ब्रेड क्रम और साथ ही मैंने ले लिया है मैदा और साथ में मैंने अंडा ले लिया अंडे को बहुत अच्छे से फेंट के इसके अंदर ड्रम स्टिक को डिप करेंगे उसके बाद मैदे की कोटिंग करेंगे ये इसकी सेकेंड लेयर है मैदे की कोटिंग करने के बाद अभी इसको दोबारा से हम अंडे में शामिल करेंगे इस तरह आपकी ड्रम स्टिक बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी अंडे में कोटिंग करने के बाद अब ब्रेड क्रम से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे वन बाय वन अपनी सारी ड्रम स्टिक इसी तरह रेडी कर लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म करके इसमें आप डीप फ्राई कर लेंगे जब एक साइड से पक जाए तो उसकी साइड को चेंज कर लेना है इसको आप निकाल लेंगे तो हमारी बहुत मज़ेदार सी अफ्तार स्नैक रेडी है ड्रम स्टिक इसको आप बनाएं, जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी है इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा Thanks for watching my video. We will meet again for another amazing recipe. Until then, take care. Allah Hafiz.